अखिलेश जी, हम लोग ध्यान रखते भी। जी अंजना जी, 2024 की डगर दक्षिण से दिल्ली पर नजर, और आप कल प्रवेश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। प्रभु जी, जी अंजना जी, देखिए इस देश को राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तहत जागृत कर चुके हैं, काफी हद तक जागृत कर रहे हैं, और जितने विपक्षी हैं वो भी अपने अपने तरीके से देश को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त हमारे साहब बैठे हुए हैं दिल्ली की गद्दी पे, उन्होंने देश का जितना अधिक से अधिक कबाड़ा किया जा सकता उन्होंने कर दिया है, और अब हर कोई परेशान है। मैंने कहा ना, हम दो, हमारे दो के अलावा हर कोई परेशान है। महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, क्या क्या कहते थे मोदी जी के, अभी सुनाना शुरू करेंगे तो बहुत घंटे लग जाएंगे, जिसको तमाम जो रोजाना जुमले पढ़ते हैं लेकिन दोबारा कभी उस चीज का जिक्र नहीं करते हैं। हालांकि अभी इन्होंने बात बात में, नलिन कोहली जी ने कहा, वो तो कहते रहते हैं, उन्होंने सब दिवंगत मोदी हर बार कहते हैं, तो ये कहते रहते हैं, सही बात है, उनका काम है बोलना, बोलते हैं उस पर एक्शन लेते हैं, तो कुछ विश्वसनीयता रहती है मोदी जी की, इसीलिए उनकी जीरो विश्वसनीयता पूरे देश में, दुनिया में मोदी जी की बात पे भाजपा ही विश्वास नहीं करते हैं, ये फैक्ट है, इसमें कहीं दुविधा की कोई बात नहीं है। और कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा लोकतंत्र है, कहीं कोई रोक टोक या तानाशाही या इमरजेंसी टाइप की चीज नहीं है। आप इनसे प्रश्न कर दीजिए ना, कोई हो, तुरंत जवाब आता है, आप पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सल हैं, अरबन हैं, जो 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 कह सकते हो, चीनी है, सब कुछ बता देंगे भाई, लोकतंत्र है, प्रश्न नहीं करेंगे क्या? और एक नई परंपरा और शुरू हुई है, जो भी हो, हम कह रहे हैं कि जब प्रश्न कोई कर दे इनसे, वही अरबन नक्सल, हाँ। नक्सल भी कहते हैं, अरबन नक्सल भी कहते हैं, हाँ। दोनों कहते हैं, हाँ। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर इनसे कोई मतभिन्न हो जाए, चाहे जो हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, मीडिया हो, जर्नलिस्ट हो, चाहे राइटर पोएट कोई भी हो, अगर इनसे मतभिन्न है, इनसे प्रश्न कर रहा है, भाई सत्ता में बैठे हो, जिम्मेदारी मिली है, जवाबदेही आपकी बनती है, तो प्रश्न तो आपसे होंगे ही। और ये घमंड पाल लेना कि हमको बड़ा भारी जनादेश मिला है तो हर कोई हमारी ताली बजावे, हमसे कोई सवाल ना करे, हमसे कोई बात ना करे, हम पे कोई उंगली ना उठावे, तो यही सोच तानाशाही सोच होती है। कहने को कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, इनके फ्रेम में कोई तो आ नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे उप प्रधान वो अपना उपराष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, फ्रेम में आने तक में तो प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन नारा देंगे सबका साथ सबका विकास। और देखिए, मैं सुबह से सोच रहा था कि आपका जब वीडियो देखा कि आज बहस है, तो मुझे याद आया, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा दे रहा हूँ, अब मौसम आ गया, 12 सीटों वाले हमारे MIM वाले भाई या दो सांसद वाले अब हर बहस में आएंगे, इनसे ज्यादा 15 दल ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा विधायक और सांसद हैं, लेकिन जो आपने एक अच्छी बात कही कि आप तो बीजेपी को हराने जाते हैं, आप सुनिए, आपने अच्छी बात कही कि आप तो बीजेपी को हराने जाते हैं, हर बीजेपी को जिताने जाते हैं, विपक्ष को हराने जाते हैं, जिताने, तो आपने जो कहा बीजेपी की मदद करने जाते हैं वो सही कहा, क्योंकि सब उल्टा उल्टा हो रहा है ना सर, आप गड़बड़ काम करते हैं। हम तो कहते हैं सर, कांग्रेस पार्टी चलाना छोड़ दीजिए, आप लोग मीडिया ही चलाइए, चैनल चलाइए, चैनल पर कौन गेस्ट आएगा आपसे पूछेंगे, फिर बहस करेंगे, ये भी बहुत गलत बात है, सुनिए अंजना जी, इसको हम कह रहे हैं सर, पार्टी चलाना छोड़िए, थोड़ा ठंडे तो करके सब देख ही लिया, थोड़ा ठंडे, अब आप मीडिया चलाइए, सुन लिया मैंने, सुन लिया, अरे सर रोज बैठते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं, अगर इतना ज्ञान आप लोग अपनी पार्टी में इस्तेमाल कर ले तो बहुत शुभ होगा, सुनिए, बहुत शुभ होगा, सुन रहे हैं ना सर, तब से आप ही का सुन रहे हैं, लेकिन आपकी हर दूसरी लाइन मीडिया पर टारगेटेड होती है, इससे बचना चाहिए, सिर्फ एक संदेश दे रही हूँ, KCR और वहीं पर हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, और वो पॉलिटिकल, क्या कोई प्रश्न नहीं कर सकता है? अरे सर प्रश्न कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आए हैं प्रवक्ता के तौर पर, हर दूसरी लाइन में मीडिया पर सवाल खड़े करने की बात नहीं है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, KCR और असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर तेलंगाना और हैदराबाद में,
उनको वहां पर मंच पर नहीं बुलाया गया था, इसीलिए उन्हें इस डिबेट में शामिल किया गया। वैसे मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया था कि दर्शकों के मन में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो नैरेटिव कुछ पार्टियां बनाती हैं वही लोग सच मानने लगते हैं, इससे बचना चाहिए। एक बार फिर आपको अखिलेश जी कह रही हूं, क्योंकि लगातार हर दिन चाहे किसी बहस में कोई और पार्टी आए ना आए, कांग्रेस पार्टी आती है, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता अपना मंच रखते हैं। लगातार मत बोलिए, आवाज नीचे कीजिए उनकी। दो लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। तो अखिलेश प्रताप जी, यह आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है कि हम लोग प्रश्नों पर टिके रहें। जो बहस आज हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि क्या विपक्ष में भी मोर्चे के अंदर मोर्चेबंदी हो रही है, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बड़ा न्यूज है कि केसीआर के मंच पर आज पिनरई विजयन, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ये सभी दिग्गज नेता गए हैं, और अगर ये दिग्गज नेता गए हैं तो उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा, इस पर बहस होगी। और केसीआर के रहते हुए वहां पर ओवैसी नहीं आए हैं तो वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि हैदराबाद में उनकी राजनीति अपनी है। तो आपसे पूछकर ना स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, ना आपसे पूछकर गेस्ट बुलाए जाएंगे। अगर आपको टॉपिक पर रहना है तो टॉपिक पर जवाब दीजिए, अन्यथा अपना और हमारा समय हमारे दर्शकों का व्यर्थ ना कीजिए। मैं माने साहब आपसे एक सवाल करूं, आपसे लड़ने तो मैं आई नहीं हूं सर, आपसे लड़ने अखिलेश जी पानी पीजिए, पानी पीजिए, आपसे लड़ने का टाइम नहीं मेरे पास। माने साहब जल्दी से एक कमेंट जी अंजना, केसीआर जी 2024 के लिए क्या प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं? नलिन साहब मैंने हाथ आपका देख लिया है, टाइम बहुत कम है, दो दो लाइन का कमेंट सबसे ले रही हूं, प्लीज वेट मिस्टर माने जी। अंजना जी पहले अगर मैं भी थोड़ा सा, सिर्फ दो लाइन सर, टाइम कम है। अगर आप भी फैक्ट चेक कर लेती थी कि MIM और तेलंगाना में हमारा पार्टी मिलके सरकार में नहीं है, हम यहाँ 101 MLA है और पूरे 119 सीट में 101, हमें MIM के साथ सरकार चलाने की जरूरत नहीं है। MIM खुद अपना एक एंटिटी है, वो एक खुद पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक कहाँ भी कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हम मिलके नहीं बांटे। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मिलके सरकार चला रहे हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद की जो पॉलिटिक्स है, जो पढ़ने नहीं साथ साथ है, से मेरा मतलब है कि बहुत मीटिंग चलती रहती है आप लोगों की। मैं भी हैदराबाद कई बार गई हूँ, और केसीआर इज अ फोन कॉल अवे फॉर मिस्टर ओवैसी, ये हम सबको पता है, लेकिन उस मंच पर उनको नहीं बुलाने से एक संदेश वो दे रहे थे, यही कहना था मेरा। एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि सरकार चला रहे। जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है मिस्टर कोहली, दो लाइन का सर, आपने टाइम पूरा फिजूल कर दिया ना। मैं इतना कहना चाहूंगा अंजना जी, सिर्फ दो लाइन अंजना जी मैं इतना ही कहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा एक जुमला है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को पुनर एक बार स्थापित करने के प्रयास में।